सो गाइज, आप सभी को ऐसे ये पता ही है कि बायो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। अगर डायग्राम आपको अच्छे से नहीं आता तो यार कितना भी अच्छा लिख लो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना चाहिए डायग्राम का, बट और प्रैक्टिस डायग्राम का भी करना चाहिए, प्लस हमें डार्क पेंसिल यूज़ करना चाहिए। मुझे पता है ये सब चीज़ें आप सभी को पता है, बट बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर डायग्राम में लेवलिंग कितना करना है, कि बहुत सारा करना है, जितना दिया उतना सब करना है। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपको डायग्राम में लेवलिंग करना है एटलीस्ट कम से कम 4 करना है, 4। और मैं था तो मैं तो पूरे का पूरा ही कर देता था, बट अगर आप 4 करोगे तो भी चलेगा, 4 या 5 कर दो, इतना इनफ है। ओके, इतना इनफ है। हाँ, अगर देखो आपने जो डायग्राम में लेवलिंग किया उससे आपको फायदा क्या होगा पता, अगर आप ज़्यादा याद कर लोगे तो उससे, अगर आपको उसके टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ें याद नहीं है तो जो भी आपने लेवलिंग किया हो उसी से 6 पॉइंट 7 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो, आप अपने ओवन वर्ड्स में उसी चीज़ों को लिख सकते हो। बट जब बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर डायग्राम में कितनी लेवलिंग कर सकते हो, तो गाइस एटलीस्ट कम से कम 4 तो करना ही है। ओके, 4 करना है, 4 से ऊपर आप कर सकते हो बट 4 जरूर करो। ओके, मुझे लगता है गाइस आपका आंसर आपको मिल गया होगा। डायग्राम पे बहुत फोकस करो, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।